हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कॉम्पिटिशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आजकल हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, तो साथियों, स्टे होम यानी कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें। कोरोना वायरस महामारी जब तक आपको नहीं मिल आएगी, तब तक आप बाहर जाकर उसे लाएंगे नहीं। साथियों, मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जी के। यह हमारा डोज नंबर 18, 18वां डोज है। कल किसी प्रकार की न्यूज ना बनने के कारण, क्योंकि जनता कर्फ्यू था, तो इस वजह से सारे डिपार्टमेंट लॉकडाउन थे और किसी भी प्रकार की कोई न्यूज नहीं बन पाई। तो कल का करंट अफेयर्स के लिए हमें खेद है कि हम अपलोड नहीं कर पाए आज। साथियों, आज 24 मार्च 2020 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जी के और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, यह हमारा करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज में है और इसी के साथ साथ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। तो डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा अपना चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटा दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। भारत सरकार ने लाइट मशीन गन नेगेव LMG की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। दोस्तों, भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट ने इजराइल की फर्म इजराइल वेपस इंडस्ट्रीज IWI के साथ 880 करोड़ रुपए में 16,479 लाइट मशीन गन LMG खरीद का सौदा किया है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इजराइल। यह जो स्वीकृति है, ये केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की स्वीकृति के बाद इस सौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या दो। भारत देश में हर साल शहीद भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मार्च को, ऑप्शन बी 22 मार्च को, ऑप्शन सी 23 मार्च को, ऑप्शन डी 24 मार्च को। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में इन तीन स्वतंत्रता सेनानी, जो कि बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी की सजा दे दी गई थी, यानी कि फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को। यह दिन जो है 23 मार्च, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इस दिन को बहुत सम्मानपूर्वक एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 23 मार्च। इन तीनों को फांसी जो दी गई थी, इन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी लाहौर षड्यंत्र के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या तीन। हर साल विश्व स्तर पर विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मार्च को, ऑप्शन बी 22 मार्च को, ऑप्शन सी 23 मार्च को, ऑप्शन सी 24 मार्च को। दोस्तों, 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी और इस दिन के उपलक्ष्य में 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन को सबसे पहले पहली बार 1961 में मनाया गया था और इस बार कब मनाया गया है? 23 मार्च 2020 को। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 23 मार्च। दोस्तों, यह दिन हर साल विश्व मौसम विज्ञान दिवस के लिए काफी विषय की घोषणा करता है, जिसे सभी सदस्य देशों द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष जो विश्व विज्ञान दिवस और विश्व जल दिवस जो है, वो दोनों किसको मनाया जाता है? 23 मार्च को। और इस वर्ष का विश्व जल दिवस और विश्व विज्ञान दिवस दोनों का एक ही विषय था, और विषय क्या था? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, जल और जलवायु परिवर्तन, क्योंकि दोनों ही दिन एक दूसरे से आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या चार। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयुष्मान भारत के तहत किस योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम,
ऑप्शन बी स्वास्थ्य खुशी कार्यक्रम, ऑप्शन सी स्कूल ज्ञान कार्यक्रम और ऑप्शन डी जन जागरूक कार्यक्रम। मेरे प्यारे साथियों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयुष्मान भारत के तहत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की यदि बात की जाए तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, जो स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर कड़ी निगरानी रखने में मदद करता है। यह जो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है स्कूल के बच्चों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से मुक्त रखना। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कुल 11 विषयों की पहचान की गई, जिनमें प्रजनन स्वास्थ्य और HIV की रोकथाम भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, निम्नलिखित में से किस देश ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए नेपाल ने, ऑप्शन बी भारत ने, ऑप्शन सी पाकिस्तान ने, ऑप्शन डी अमेरिका ने। हाल ही में अमेरिका ने पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अमेरिका। रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक इस मिसाइल की गति ध्वनि की गति से कम 5 गुना ज्यादा होती। ध्वनि की गति कितनी है? 3×10^8 मीटर पर सेकंड, उससे ज्यादा होगी। अर्थात इस लिहाज से यह मिसाइल 6200 किलोमीटर प्रति घंटा की ज्यादा गति से दुश्मन पर हमला करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, भारत के किस पर्वतारोही ने सातों महाद्वीपों में सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बनने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए आशुतोष शर्मा, ऑप्शन बी सत्यरूप सिद्धांत, ऑप्शन सी आर्यन घोष और ऑप्शन डी विक्रम सिंह। दोस्तों, सातों महाद्वीपों में सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ने का कीर्तिमान भारत के सत्यरूप सिद्धांत ने किया है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सत्यरूप सिद्धांत। साथियों, ये रिकॉर्ड बनाकर उन्होंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज करवाया है। और इससे पहले उन्होंने जनवरी 2019 में दुनिया के सातों महाद्वीपों के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ने का रिकॉर्ड भी हासिल किया है। इनके पास पहले से ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ब्रिटिश बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और चैंपियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से देश भर के लोगों को 22 मार्च 2020 को अपने अपने घरों में रहने का आह्वान किया था? ऑप्शन ए जनता कर्फ्यू के नाम से, ऑप्शन बी पब्लिक डिस्टेंस के नाम से, ऑप्शन सी नो टू कोरोना के नाम से और ऑप्शन डी स्टे एट होम के नाम से। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश को संबोधित किया था शाम को 8 बजे, और उन्होंने कहा था कि 22 मार्च 2020 को हम जनता कर्फ्यू के नाम से लोगों को अपने अपने घरों में रहने के लिए आश्वस्त करते हैं, ये घोषणा करते हैं कि लोग अपने घरों में रहें, जनता कर्फ्यू का पालन करें, जिससे कि जो महामारी चल रही है कोरोना वायरस की, उस पर काबू पाया जा सके, यह एक दूसरे से में ना पहले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जनता कर्फ्यू। साथियों, यह सरकारी या प्रशासन की तरफ से लगाई गई पाबंदी नहीं थी, बल्कि लोगों द्वारा लोगों के लिए लिया गया फैसला था, और इस अपील का असर देश भर में देखा गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि डॉक्टरों और अन्य सेवा कर्मियों का धन्यवाद देने के लिए 5 बजे ताली थाली बजाने का भी आह्वान किया था, और जिसका समर्थन पूरे देश में जोर शोर से देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, बॉलीवुड की कौन सी अभिनेत्री अब महामारी COVID-19 के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ मिलकर काम करेगी? ऑप्शन ए ऐश्वर्या राय, ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी मलाइका अरोड़ा खान और ऑप्शन डी अब माधुरी दीक्षित। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा ने अपने फॉलोअर्स से कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के भरोसेमंद स्रोतों पर भरोसा करने का आग्रह किया, और साथ ही साथ इस महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के शीर्ष अधिकारियों के साथ मिलकर इंस्टाग्राम पर एक लाइव पोस्ट भी किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा, कोविड 19
महामारी जो कि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, भारत सरकार ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोरोना वायरस पर गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी ट्विटर, ऑप्शन सी व्हाट्सएप और ऑप्शन डी टेलीग्राम। दोस्तों, भारत सरकार ने कोरोना वायरस पर गलत सूचना और फर्जी समाचारों के प्रसार पर अंकुश लगाने और कोरोना वायरस 19 के बारे में नागरिकों में दहशत को कम करने के लिए भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर एक आधिकारिक चैटबॉक्स लॉन्च किया है। तो राइट आंसर है व्हाट्सएप ऑप्शन सी। जो ये चैटबॉक्स है इसका नाम है माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क और इसके लिए कोई भी यूजर इसको यूज कर सकता है। व्हाट्सएप में इसके लिए सभी के लिए फीचर है, सभी लोग इसी सेवा को यूज इस चैटबॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए एक नंबर भी जारी किया गया है, नंबर है 9013151515 9013151515। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10, विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मार्च को, ऑप्शन बी 22 मार्च को, ऑप्शन सी 23 मार्च को और ऑप्शन डी 24 मार्च को। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है विश्व जल दिवस पानी के बचाने के संकल्प के दिन के रूप में मनाया जाता है, जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। अतः राइट आंसर है ऑप्शन बी 22 मार्च। इस दिवस को मनाने का जो प्रमुख उद्देश्य है जल की आवश्यकता और उसके महत्व और संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूकता पैदा करना, लोगों के दिल में जागरूकता पैदा करना है। इस वर्ष 2020 की विश्व जल दिवस की थीम थी जल और जलवायु परिवर्तन। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। कोविड-19 की जो है कोरोना वायरस महामारी में बाहर ना निकलने के लिए यदि आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, अपनी कोचिंग संस्थान में कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा यूवी कंपटीशन चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारा अपडेट मिलता रहे और डेली आप करंट अफेयर्स प्राप्त करते रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।